कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो बैंक अधिकारी ही जाने। बहरहाल अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा भारतीय स्टेट बैंक शाखा मिस्र के उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। महीनों दौड़ भाग करने के बावजूद ग्राहकों की दिक्कतें दूर नहीं हो पा रही हैं। उपभोक्ताओं को ये कहकर कल आने के लिए बोल दिया जाता है कि स्टाफ की कमी है, जमा निकासी का एक ही काउंटर पर काम होता है। वृद्ध महिलाओं पुरुषों को भी एक साथ लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। खाता धारक निशा कुमारी ने आई इंडिया को बताया कि शाखा में कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। क्या समस्या है? समस्या यह है कि भारतीय स्टेट बैंक में कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, सिर्फ एक ही काउंटर चलता है। इस कार्य में बातचीत होती है कि आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना, इस तरह से होता है काम। जैसे हमारा एक बांड है जो 2019 में पूरा हो गया था, तो उसको हम कराना चाह रहे हैं, लेकिन वो आज नहीं कल आना, कल नहीं परसों आना, यही कह के 6 महीने हो गए हैं हमको दौड़ते दौड़ते, लेकिन हमारा काम नहीं हो पा रहा है। क्या नाम है आपका? निशा वर्मा। 80 वर्षीय उपभोक्ता गंगादीन वर्मा ने आई इंडिया को बताया कि स्टेट बैंक में एक ही काउंटर होने से पैसा देर में मिल पाता है। क्या समस्या है? स्टेट बैंक में केवल एक काउंटर चलता है, इसमें खड़े होना मुश्किल हो जाता है, लाइन में खड़े होना पड़ता है, और आयु हमारी 80 साल है, कि पैसा नहीं मिल पा रहा है। बड़ी परेशानी होती, पैसा बहुत देर में मिलता है। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? 80 वर्ष। क्या नाम है? गंगादेव वर्मा। वर्ष 1960 से संचालित इस बैंक शाखा के वर्तमान शाखा प्रबंधक प्रभात कुमार कहते हैं कि स्टाफ की भारी कमी है। डिमांड भेजी गई तो दो क्लर्क दो ऑफिसर कार्य कर रहे हैं, जबकि एजीएम विक्रांत तिवारी का कहना है कि स्टाफ पर्याप्त है, अगर ऐसा हो रहा है तो जाँच कर कार्रवाई की जाएगी। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।